हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है योगा। तो आज मैं योगा करने जा रही हूँ, तो मैं आप लोग को भी बोलूँगी कि आप लोग भी ज़रूर योगा करें, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको लगने लग रहा है आपका शेप थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आपके वज़न बढ़ रहे हैं, तो आप योगा करना ज़रूर चालू कर दें। साइनस का भी प्रॉब्लम है तो भी करें। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं योगा का। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आँख मूंद के और अच्छे से सांस ऊपर नीचे आराम आराम से करना है। जैसे सांस को खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, पर नाक से सांस नहीं निकालना है, लेना है। सिर्फ सांस रोक के ऊपर नीचे इस तरह पेट को हिलाना है। देख सकते हैं मैंने कैसे पेट को हिलाया। इसके बाद हम नाक का कर लेंगे दोस्तों। जैसे हम एक नाक से सांस लेते हैं, पहले कम से कम 20 बार एक सांस से ले, 20 बार नहीं हो सकता तो आप 50 बार भी ले सकते हैं। फिर सेम जितनी बार हमने एक साइड लिया था सांस, उस तरह धीरे 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 हम दूसरी साइड भी सांस लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम एक नाक दबाएंगे और सांस खींचेंगे और फिर दूसरे नाक से छोड़ेंगे। इसी प्रकार हम 10 बार करेंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 5 बार करें। ये स्टेप मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप आराम से एक स्टेप करने में कम से कम 10 लगाए, 10 गिनती गिने। इसके बाद दोस्तों, पैर को इस तरह एकदम फैला लेना है और दोनों हाथों को आगे पीछे करते हुए जो अपना पैर का उंगली है उसे छूना है इस तरह, और फिर मुंडी नीचे करके फिर हाथ को ऊपर कर लेना है। इसी प्रकार हमें 10 बार ये भी करना है। इसके बाद इस तरह दोनों अंगूठों को पकड़ लेना है पैर का, और मुंडी को एकदम नीचे लेके जाना है और फिर ऊपर लेके आना है। जितना आप स्ट्रेट झुक सकते हो उतना ट्राई करें, बहुत ज़्यादा ना झुके, नहीं तो कमर पेन होने लगेगा। अगर आपको कमर का प्रॉब्लम है तो ये स्टेप ना करें। इसके बाद इस तरह करें, एक बार दूसरे साइड को हाथ दोनों घुमा के ले जाए, फिर दूसरे साइड लेके जाए। इसी तरह ये भी 10 बार करें। तो महिलाओं के लिए योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा आधा घंटा भी अगर टाइम निकाल के आप कर रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद ये स्टेप मैं कर रही हूँ, देख सकते हैं पैरों को फैला लिया है और हाथ को ऊपर नीचे किया। इसके बाद दोनों पैरों को लेके जाना है अपनी तरफ और इस तरह जोड़ लेना है और हाथ से पकड़ लेना है और इस तरह दोनों पैर को हिलाना है। इस प्रोसेस को भी हमें 10 बार करना है। फिर दोनों जो हमारा ठुंगनी होता है, मतलब कुहना बोलते हैं, उसको भी पकड़ के हिला लेना है। इसके बाद मैंने पैर को फैला लिया और हाथ को भी एकदम टाइट रखना है, सीधा सीधा, और फिर बीच में ला के फिर टेढ़ा लेके जाना है, फिर बीच में ला के फिर दूसरे साइड लेके जाना है। इसी प्रकार ये भी करना है, 5 बार करें या 10 बार करें। इसके बाद आँखों को मूंद लेना है दोनों हथेलियों से, हाथों से, देख सकते हैं, और सांस को ऊपर नीचे करके एकदम सुकून से सांस लीजिए, ऊपर लीजिए, कुछ भी ना सोचिए ना कुछ देखिए। और इसी प्रकार आप 10 सेकेंड तक कर सकते हैं। इसके बाद आराम से आंखें खोलिए, फिर इसके बाद ऐसे बैठ जाइए और सांसों को ऊपर नीचे कीजिए। और इसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, फिर इस तरह दोनों उंगलियों को इस तरह ले लेना है जैसे हम हरिओम करते हैं, तो सेम इसी तरह हरिओम 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 10 बार ऐसे आपको करना है। हरिओम करने से आपकी आत्मा जो है एकदम शांत हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके बाद हाथ जोड़ के मैं खड़ी हो चुकी हूँ। तो खड़ी होने के बाद अब खड़े होने वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे। हाथों को फैला लेना है और इसी तरह लेके जाना है अपने हाथों को सीधा, फिर दो घुमाना है, फिर ऊपर लेके जाना है। इसके बाद मैं कमर पे हाथ रख के पैरों को फैला लूँगी
और इस तरह हथेलियों को ऊपर ले जाते हुए कमर को एकदम स्ट्रेट करूँगी, जितना हो सके करे। इससे क्या है, हमारे बॉडी में मोटापा नहीं आता है और हमारा बॉडी एकदम, मतलब जो हमारी चर्बी होती है वो कम होने में हमें मदद मिलती है। अगर हम योगा नहीं करते हैं, बस खाते रहते हैं तो इसीलिए चर्बी बॉडी में बढ़ने लगती है, फिर हमारा पेट दिखने लगता है या कमर में चर्बी बढ़ जाती है। इसके बाद मैं पैर को लेके आ जाऊंगी एक जगह और फिर इस तरह देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे किया, आप ध्यान से देखिए। कमर पे हाथ रख के इसी तरह घूमना है, इसके बाद मैं सूर्य नमस्कार करूंगी। दोस्तों मैं बस एक बार करके आपको दिखाऊंगी, इसे भी आप 10 बार करें या 5 बार करें। सूर्य नमस्कार करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह मैंने किया, आप देखिए, झुक जाइए, फिर ऊपर मुंडी कीजिए और फिर एक पैर को आगे लेके आइए, फिर दूसरे पैर को सीधा लेके आके और खड़े हो जाइए। इसी प्रकार हमें 10 बार करना है। रस्सी कुड़ी की तरह इस तरह हमें बस एक्टिंग करना है। अगर आपके पास रस्सी है तो मैं रस्सी से भी करूँगी, अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद पैरों को फैला के ये वाला भी स्टेप करना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ दोस्तों, आप ऐसा ना करें, आप 10 बार या 5 बार ज़रूर करें। इसके बाद हाथ को ऊपर लेके जाइए और एड़ियों को उठा लीजिए और फिर नीचे आ जाइए, फिर उठा लीजिए, फिर ऊपर लेके जाइए। इसके बाद दोस्तों मैं रस्सी कूड़ी करूँगी, तो रस्सी कूड़ी भी आप 50 बार या 100 बार ज़रूर करें, आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों अगर आप भी शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसी तरह थोड़ा सा टाइम निकालें, खास करके महिलाएं, और योगा ज़रूर करें घर पे। अगर आप घर पे नहीं कर रहे हो, अगर आपके आसपास गार्डन है तो गार्डन जाके थोड़ा सा वॉक करें। पहले मैं भी जाती थी गार्डन शाम को, जब से लॉकडाउन लगा तब से मेरा छूट गया है, तो इसीलिए मैं घर पर करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ फिर भी करती। तो आप अपने लिए दोस्तों ज़रूर टाइम निकालें, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को टाइम निकालें, योगा ज़रूर करें। अगर आपको रोज़ नहीं टाइम मिल रहा है तो आप 10-15 दिन लगातार करें, जब आपका बॉडी लगने लग रहा है कि आपको करना चाहिए करें, और फिर आप छोड़ सकते हैं, फिर 15-20 दिन बाद आप फिर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको रोज़ करना पड़े। तो चलो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो। दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहे।